नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेल्टम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, वेल्टम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और वेल्टम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि वेल्टम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वेल्टम एक ब्रांड नेम है। वेल्टम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन टैम्सुलोसिन 0.4 mg होता है। वेल्टम टैबलेट अल्फा ब्लॉकर ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर किया जाता है। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने को मेडिकल भाषा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या BPH भी कहते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब को थोड़ी देर भी न रोक पाना, रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना, पेशाब की थैली को पूरी तरह से खाली न कर पाना, पेशाब की धार का कम होना, पेशाब करने में परेशानी या दर्द होना, पेशाब में खून आना, रुक रुक कर पेशाब आना और पेशाब करने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब टपकना आदि लक्षण पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा बढ़ने की वजह से पेशाब का आना पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक सामान्य बात है और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने का जोखिम अधिक होता है। वेल्टम टैबलेट पुरुषों में प्रोस्टेट और यूरिन ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से पुरुषों को पेशाब करने में आसानी हो जाती है। वेल्टम टैबलेट प्रोस्टेट के साइज को कम नहीं करती है। वेल्टम टैबलेट केवल प्रोस्टेट और यूरिन ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से पुरुषों को पेशाब करने में आसानी हो जाती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में वेल्टम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में वेल्टम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, चक्कर आना, सिर घूमने का आभास होना, सर्दी जुकाम होना, नाक का बंद होना, शरीर में कमजोरी होना, कमर में दर्द होना, छाती में दर्द होना, छाती में ज्यादा बलगम बनना, दस्त होना, गले में खराश या दर्द होना, उल्टी आने का मन होना, आँखों में धुंधलापन होना और नींद अधिक आना आदि साइड इफेक्ट्स वेल्टम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में वेल्टम टैबलेट की वजह से नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा वेल्टम टैबलेट की वजह से सेक्स करने की इच्छा कम हो सकती है और सेक्स के दौरान सीमन निकलने की मात्रा भी असामान्य हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेल्टम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। वेल्टम टैबलेट को खाना खाने के 30 मिनट बाद लेना रिकमेंडेड होता है। वेल्टम टैबलेट को हर रोज सेम टाइम पर लेना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर वेल्टम टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेल्टम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। महिलाओं के लिए वेल्टम टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए महिलाओं को वेल्टम टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि वेल्टम टैबलेट को लेते समय किसी व्यक्ति के पेनिस में 5 घंटे से अधिक समय तक इरेक्शन रहता है या इरेक्शन के दौरान पेनिस के अंदर दर्द रहता है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अधिक लंबे समय तक पेनिस के अंदर इरेक्शन रहने की वजह से पेनाइल टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन का परमानेंट लॉस हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को वेल्टम टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे टैम्सुलोसिन आदि से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को वेल्टम टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका वेल्टम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।